बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर अपनी आगामी फिल्म हसीना को लेकर बिजी हैं। फिल्म में पहली बार वे रोमांटिक किरदार से निकलकर गंभीर किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और श्रद्धा को लोग को पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से श्रद्धा एक एक्टर से मिलने के लिए बेताब हैं और मिलने के लिए वो बस उनके एक हां का इंतजार कर रही हैं। आपको बता दें कि श्रद्धा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं और प्रभास अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए मरी जा रही हूं। हालांकि हम फोन और मैसेज के एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में भी हैं, लेकिन अभी तक मैं प्रभास से फेस टू फेस नहीं मिली हूं। हम लोग इसी महीने फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। वह इस बात से वाकिफ हैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं और वे भी मुझसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। एक रिपोर्ट में सूत्रों के अनुसार साहू के निर्माता श्रद्धा और प्रभास को प्रोफेशनल लैंग्वेज ट्यूटर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन दोनों आपस में हिंदी या तेलुगु में बात करेंगे। यह शूटिंग की लैंग्वेज पर निर्भर करता है। बता दें कि निर्माताओं ने श्रद्धा के नाम से पहले पूजा हेगड़े, दिशा पट्टानी और अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया था। श्रद्धा ने साहू साइन करने की सूचना पिछले महीने एक ट्वीट के जरिए दी थी। उन्होंने लिखा था, मैं साहू में प्रभास के साथ काम करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। साहू का बजट 150 करोड़ रुपए है। इसे तेलुगु, तमिल और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में शंकर एहसान लॉय म्यूजिक दे रहे हैं। साहू अगले साल रिलीज होगी। ये बाहुबली के बाद प्रभास की अगली फिल्म होगी।